हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी। टुडे इज माय पेपर। तो आज हमारा पेपर है, तो अब हम पेपर देने के लिए फुल रेडी हो चुके हैं और हमको एक नया सेंटर मिला है, महर्षि विद्यालय करके है। तो चलिए, आप लोगों को वहां कैसे पहुंचना है, गांधी चौक से कैसे जाएंगे, मैं आप लोगों को बताती हूँ, तो बने रहिए वीडियो में। और अब मैं रेडी होकर रूम से निकल चुकी हूँ। रूम से निकलने के बाद हमने टाइगर चौक से पकड़ी है अपने लिए ऑटो, तो अब हम निकल चुके हैं। हमारे फ्रेंड लोग भी साथ में, हम लोग चार पांच लोग गए साथ में, तो हम यहां से निकल चुके हैं। और ये आ चुका है पुराना बस स्टैंड। पुराना बस स्टैंड के बाद अब हमारी गाड़ी आगे बढ़ते हुए जा रही है, फिर हम नेहरू चौक पहुंचेंगे। नेहरू चौक से फिर हमको मंगला चौक के लिए एक ऑटो लेनी है। तो नेहरू चौक से मंगला चौक का 10 रुपये है और गांधी चौक से नेहरू चौक का 20 रुपये है। चौक जब आप पहुंच जाएंगे तो वहां से आपको राइट साइड में कृष्णा हॉस्पिटल दिखेगा, फिर उसके बगल से मेन रोड निकली हुई है, उधर से आप जाएंगे तो उस रोड से सीधा सीधा महर्षि विद्यालय और बीच में हॉली क्रॉस और एक स्कूल समथिंग कुछ और पड़ता है। उसी रोड पे 3-4 स्कूल है जो कि आपको सेंटर वहां दिया गया है, मिल अगर कभी देता है तो आप उसी रोड पे जा सकते हैं और मात्र वहां से 20 रुपये है। महर्षि के लिए बस आप ऑटो पकड़ सकते हैं, वहां से 20 रुपये है ऑटो रेट, बट ऑटो वाले बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। और आप देख सकते हैं हॉली क्रॉस है, ये मात्र 10 मिनट का है, आप वहां से पहुंच सकते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने सेंटर, ये रहा महर्षि विद्या मंदिर यूनिवर्सिटी, और देख सकते हैं चेकिंग के लिए लगी हुई है लाइन। उसके बाद पेपर देने के बाद अब हम बाहर आ चुके हैं और ऑटो मिल चुकी है। इतनी ट्रैफिक थी कि बहुत लेट हो गया वहाँ से निकलने में। एंड उसके बाद अब देख सकते हैं आप, अब हम पहुँच चुके हैं अपने रूम के पास और अब मैं पैदल पैदल जा रही हूँ ऑटो से उतरने के बाद। और उसके बाद अब हम रूम में जाके फ्रेश व्रेश होके नहा के पूजा पाठ करके फिर हम निकलेंगे मार्केटिंग के लिए, क्योंकि हमको कल घर भी जाना है राखी के लिए। तो आपसे वीडियो में बने। सो हे गाइस, मैं इसमें दो वीडियो अटैच करके बना रही हूँ क्योंकि शॉर्ट ब्लॉग है। तो आप देख सकते हैं मेरी पूजा हो चुकी है। पूजा होने के बाद मैंने भगवान जी को एकदम आज स्पेशल भोग लगाया है, रबड़ी और मेवे का। तो आई होप सब मेरे कृष्णा जी को पसंद आए और आप सब लोग भी भोग प्रसाद ग्रहण करिए और भगवान जी के दर्शन करिए। और रेडी होने के बाद अब हम निकल चुके हैं मार्केट करने के लिए और भीड़ तो इतनी थी पूछिए मत। आधे ज़्यादा टाइम तो हमारा ऑटो में ही वेस्ट हो गया। फिर हमने ऑटो वाले को दिए कम पैसे और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पहुँचे हैं फ्लावर के पास, बहुत अच्छा रोज़ था। और उसके बाद अब हम राखी लेने आए थे, तब ये राखी की दुकान आप देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी राखियाँ हैं। तो हम राखी लेने आए हैं और उसके बाद हम निकलेंगे घर के लिए। तो ये मैंने, बहुत अच्छा लगा मुझे ये फ्लावर, तो मैंने इसको भी ख़रीद लिया, 10 रुपये का दिया वो अंकल ने। और इसके बाद अब हम आ चुके हैं खाटू श्याम मंदिर। अगर मैं गोल बाजार जाऊं और इनसे ना मिलूं ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो बस अब इनसे मिला, इनसे इनकी पूजा की, अर्चना की और प्रसाद लिया। अब उसके बाद फिर अब हम अपने रूम निकलेंगे सबके साथ। तो ज़्यादा टाइम तो नहीं दे पाया, पर जितना समय भी गए मंदिर में बहुत अच्छा लगा। भजन कीर्तन हो रहा था क्योंकि एकादशी का दिन था उस दिन, तो बहुत ही अच्छा भीड़ भाड़ भी था और बहुत प्यारा लगा, भजन बहुत अच्छा अच्छा गा रहे थे। तो आई लव दिस एंड हरे कृष्णा हरे राम राधे राधे। तब हम लोग फिर वहाँ से पैदल पैदल सभी कोई मस्ती मजाक हंसते खेलते जा रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक से ना सब्सक्राइब करिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसे बने रहिए मेरे ब्लॉग में। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।